Good evening, people. How are you all? I hope you guys are doing great. Lockdown period अच्छा चल रहा होगा. घर में है, फैमिली के साथ है. मैं भी फैमिली के साथ हूँ, which is very excited. Who is rather I should say, who is very excited as much as I am in making this video. By the way, he's my son Atharv. Atharv, say hello. Hello. आज का विषय जो मैंने सोचा है टू हैव अ डिस्कशन इज अबाउट द परसेप्शन. परसेप्शन यूजुअली इज आई एम सो सॉरी फॉर परसेप्शन इज समथिंग जो लोग आपके बारे में विचार रखते हैं या कुछ किसी भी चीज़ को लेकर समझते हैं और जो आप दूसरों के बारे में सोचते समझते हैं उस चीज़ को हम परसेप्शन कहते हैं साइकोलॉजिकली. And usually we always have the image about something and someone or I should say everything and everyone. हम हर इंसान के बारे में पहले से ही कुछ ना कुछ अपनी सोच बना के रखते हैं. And firstly very important that perception is reality. जो सामने वाला आपके बारे में सोच रहा है या आप सामने वाले के बारे में सोच रहे हैं वो बहुत हद तक आपके फ्यूचर एक्शंस को सपोर्ट करता है या आपके फ्यूचर एक्शंस आपके उस परसेप्शन पर निर्भर होते हैं. सो गाइस दिस इज़ एक्चुअली वेरी वेरी रियल. बट जो मैं बात करना चाहती हूँ आज इट्स नॉट अबाउट परसेप्शन, इट्स अबाउट हाउ टू चेंज द परसेप्शन ऑफ समबडी अबाउट योरसेल्फ. इट्स लाइक दूसरों की इमेज या दूसरों ने जो आपके प्रति जो धारणा रखी है, जो इमेज बनाई है, उसको हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं. आज हम इसी के बारे में बात करेंगे. सो हाउ विल यू करेक्ट योर इमेज, हाउ विल यू करेक्ट समबडीज परसेप्शन अबाउट यू. यूजुअली कॉरपोरेट वर्ल्ड, प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी बहुत दिक्कतें आती हैं. इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू योर पर्सनल लाइफ. हो सकता है योर बॉस फील्स कि नो यू आर नॉट अ टीम प्लेयर, तो आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा ना बनाए. हो सकता है उनको ऐसा लगता है दैट यू आर शॉर्ट टेम्पर्ड, तो आप टीम वर्क में आप अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे. या यू आर नॉट वेरी मैच्योर, तो वो आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने में हिचकिचाए. दैट कुड बी ना लॉट ऑफ परसेप्शंस दैट कैन प्ले अ रोल, एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर सक्सेस, सक्सेस इन योर प्रोफेशनल लाइफ एंड इन योर पर्सनल लाइफ टू. So it's actually important to just check yourself first कि आपको क्या लगता है, what actions you are taking in जो एक गलत image आपकी portray कर रहे हैं. That's very very important. So the first step for it it should be to analyze your own self. आपको ऐसा क्या लगता है कि आपका कौन सा action या आपकी कौन सी ऐसी बातें या आपकी कौन सी ऐसी habit है जो आपका एक wrong image सामने वाले को convey कर रही है. Example के तौर पे मैं अपना example लेती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि people take me lightly because I'm always ready to help others. So that's difficult for them to realize that no, I have my own inner space, my own boundaries, since I'm always and always ready to help others. So that's gonna be the first step. You have to analyze your own self, what actions you do take intentionally, unintentionally, जो आपकी एक perception, एक image बाहर बना रही हैं, which you want to change. The second step should be what would be your future action. आपको अब पता चल गया है कि आपकी एक ही habit है जो शायद आपका एक गलत image बाहर portray कर रही है. आपको उसको change करना है, but किस में change करना है, what should be the next you. तो आपको अपना एक future action set करना होगा. In my case, जो मैंने अभी example दिया आपको, मेरे लिए future action would be to maintain the clear boundaries or maintain से important I guess to convey the clear boundaries to others कि ये एक सीमा है for them to enter in my personal zone, no, where I'm ready and comfortably okay to help them, और इसके बाद अंदर नहीं आना है because that's my personal zone. So that has to be my future action of behavior.
सो अकॉर्डिंगली आपको भी ये जानना होगा दैट वॉट शुड बी योर फ्यूचर एक्शन ऑफ बिहेवियर. The third step would be to set up the actions which corresponds your future behavior. अब आपके दोनों present behavior और future behavior आपने जो set किए हैं वो आपके सामने हैं. Now you have to bridge these two ताकि जो आप future behavior चाहते हैं वो आपका present behavior बन जाए. उसके लिए आपको जो ब्रिज बनाना है दैट शुड बी योर एक्शंस, दैट शुड बी दी रियल एक्शंस, नॉट ओनली दी वर्ड्स, बट कैसे आपका बिहेवियर मॉडिफाई हो रहा है दैट शुड कॉरेस्पॉन्ड्स इन दैट ब्रिज. एग्जाम्पल क्योंकि मेरा ही चल रहा है तो मैं अपना एग्जाम्पल ले लेती हूँ. इट वुड बी लाइक दैट not only saying in words that I would like to maintain a distance, I will put that in my actions because I have to learn to say no. मुझे ना करना आना चाहिए और ना कहने के बाद guilty भी नहीं होना चाहिए. That should be my what should I say, that should be my strong point, that should be my belief, because बहुत हद तक, though it's very vast and another topic it could be, because ये बहुत limiting belief होता है अक्सर लोगों का, that they hesitate to say no, और जो कहते भी हैं उनको खुद को वो guilt conscious होने लगता है that no, they have said no to somebody जिसकी वो मदद कर सकते थे. एंड बहुत हद तक शायद मुझे भी ऐसा लगता आया है दैट इफ़ आई कैन ऑफर हेल्प टू समबडी वाई टू से नो. बट आई गेस इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन टू लर्न दैट योर पर्सनल स्पेस और योर पर्सनल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सर्विंग अदर्स. आप अगर खुद से ही खुश नहीं हैं या खुद से ही यू आर ड्रेनड आउट, नो यू आर इन द नेगेटिव जोन, देर इज़ नो पॉइंट, यू कैन नॉट हेल्प एनीबडी एल्स. सो वेरी इंपॉर्टेंट इज टू लर्न सेइंग नो, एंड इन माई केस एंड नॉट फीलिंग गिल्टी अबाउट इट टू. द फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है परसेप्शन चेंजिंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इज़ द टाइम एंड द सिचुएशन. सी इट्स नॉट पॉसिबल और रेलिवेंट कि ये एकदम से शिफ्ट हो जाएगा somebody's ओपिनियन अबाउट यू. इट माई टेक सम टाइम एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू बी परसिस्टेंट इन इट. इट इज़ नॉट लाइक कि आपने एक बार नो यू हैव चेंज्ड योर बिहेवियर बट नेक्स्ट टाइम जब आप उनसे मिल रहे हैं यू आर बैक टू योर ओरिजिनल बिहेवियर. And which is your original behavior actually, your natural behavior. एक बार शायद आप plan करके गए हैं कि आज मैं नो अपने boss को responsible और well on time project ख़त्म करके दूंगा, but the next time is you are the same. So you have to be consistent, you have to create your habits, you have to maintain your habits so that जो perception सामने वाले का आपके प्रति बदल रहा है वो भी consistent रहे. So that's very very important. मेरे केस में भी, मेरे एग्जाम्पल में भी आई गेस यही है. एक बार नो वुड नॉट बी इनफ. आई हैव टू कंसिस्टेंटली मेंटेनिंग द बाउंड्रीज टू लेट द पीपल नो दैट येस आई हैव माई पर्सनल जोन अराउंड मी एंड आई एम नॉट ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू. मेरा अब अगर केस अगर हटा दें साइड में तो ये हर किसी के लिए है. Be it in the office, if you want to establish a good rapport. अगर शायद लोग आपको गुस्सेल समझते हैं, शायद आप लोग आपको selfish भी समझते हैं. And if you are bothered, अगर आपको ये लगता है कि ये शायद आपके लिए अच्छा नहीं है, then I guess you must try to change the perception. And if you are happy, अगर आपको लगता है कि I don't care, मैंने पहले जैसे intro video में बोला, अगर आपको ऐसा लगता है दैट यू रियली डोंट केयर कि कौन क्या सोचता है देन एक्चुअली देर इज़ नो पॉइंट. बट मुझे लगता है इट्स गुड टू बी नो सोशली मिंगल्ड विद द पीपल. इट्स गुड टू बी कंटेंट विद इन योर सेल्फ एंड विद द अदर्स सो दैट नो यू कैन मेंटेन अ हैप्पी एंड अ हेल्दी वर्ल्ड अराउंड यू. सो ट्राई दैट वंस. देर इज़ नो हार्म इफ़ यू गेट वन और टू एक्स्ट्रा फ्रेंड्स. एक और दो ज़्यादा अच्छे दोस्त आपके बन जाएँ पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में. सो आई गेस दैट्स गोना बी
मोर एडवांटेजेस, और ये 21 दिन आई गेस अच्छा टाइम है हमारे लिए. वी कैन चेंज आवर सेल्व्स, वी कैन मॉडिफाई आवर सेल्व्स, बिकॉज चेंज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओन सेल्फ. दैट हैज़ टू बी लर्न. बाहर जो बदलेगा तब बदलेगा, पहला बदलाव हम में ही होना चाहिए और हमसे ही होगा. सो दैट्स इट गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, परसेप्शन प्रोसेसिंग चेंज. शायद आपको अच्छा लगे. मैंने गलत बोला? यस, मैंने गलत बोला, परसेप्शन चेंजिंग प्रोसेस. शायद आपको अच्छा लगे एंड यू वुड लाइक टू ट्राई इट वंस, एंड इफ़ यू डू देन प्लीज़ प्लीज़ डू ट्राई. लेट मी नो आपको कैसा लग रहा है एक नया चेंज अपने में. और नहीं भी चेंज कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, इट्स ऑल योर लाइफ, इट्स ऑल आर लाइव्स, वी कैन, वी आर द किंग्स ऑफ आर लाइव्स. सो टिल देन take care of yourself, stay inside, stay at home, watch more videos, watch my more videos, and please bear, lockdown hai to obviously my son is also here, and but he's been very very quiet, and I'm so much thankful to him also. He said I'll not make any noise mama, but main aaunga dekhne beech beech mein. So thank you. Till then you guys take care, be safe, see you soon again someday, whenever I'll make another video. Bye bye, take care.